हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है वॉइस ओवर से। मैंने बोला चलो आज ये वॉइस ओवर करते हैं छोटी छोटी क्लिप से। यहाँ मिराल दानिश को सी ऑफ कर रही थी, वो किसी काम से बाहर जा रहे थे। फिर मैंने और मिराल ने बोला चलो नमाज़ पढ़ते हैं आज हम लोग साथ। तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज रमज़ान का दूसरा जुम्मा भी है, तो हमने बोला चलो मिराल आज साथ नमाज़ पढ़ते हैं। तो मिराल मेरे साथ खड़ी हो गई नमाज़ पढ़ने के लिए, और जब तक कि उसकी हिम्मत थी मेरे साथ नमाज़ पढ़ने की, उसने मेरे साथ नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो फिर उसने मुझे गले लगाया, प्यार किया, फिर मेरी गोद में ही बैठ गई। तो उसकी ऐसी ऐसी नोटी हरकतें होती रहती हैं। शायद मेरे ख्याल से जिसके छोटे बच्चे हैं वो सभी ऐसे करते होंगे। अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसके छोटे बच्चे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। अच्छा जी, आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब है। जाहिर सी बात है गर्मी आ गई है, और फिर ठंडा ठंडा पानी पीना, ठंडा शरबत पीना, तो जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई। यहाँ मैंने भी मिराल को फिर चप्पी शप्पी डाली क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, सिर्फ दुआ मांगनी थी। फिर मैंने इसको प्यार व्यार किया, फिर मैंने मोबाइल को थोड़ा सा बंद करा, फिर दुआ मांगी। फिर दुआ मांगने के बाद मैं आगे किचन में देखा तो भाई छोले तो जल कर भुन गए थे बिल्कुल, लेकिन खैर ज़्यादा नहीं जले थे, हल्के फुलके जले थे। तो फिर मैंने उनको साइड कर दिया सही से, और उसके बाद सारी चीज़ें देख रही थी मैं, सब सही है। दानिश लेकर आए थे कचौरी, वो भी मैंने देखी भाई कितनी कचौरी और कैसी है, सालन भी था उसके साथ। फिर मैंने बोला चलो अब सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा तैयार शैर हो जाते हैं, क्योंकि भाई तैयार होना भी ज़रूरी है। यहाँ मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था, उसको अच्छे से प्रेप किया और बहुत अच्छे से मसाज किया, मतलब अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से। उसके बाद मैंने कंघी शंगी करी, टेंट शेंट लगाया, और बहुत ही अच्छा टेंट है, और मैं आजकल टेंट ही लगा रही हूँ। और मुझे समझ नहीं आता कि मतलब लोग कैसे टेंट लगा लेते हैं, क्योंकि हाथ पे निशान ऐसे रह जाते हैं, उफ। यहाँ मैं अपनी आईब्रो सेट कर रही थी। उसके बाद आज वैसे कोई ऐसा काम ज़्यादा था नहीं, जिसकी वजह से मैंने बोला चलो जी आज वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। ये देखें, ये ऐसे टेंट होता है, मैं मुझे समझ नहीं आता, फिर इसको सेट करना पड़ता है। तो खैर अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, हाँ आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं व्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो मैंने बोला चलो जी आज ऐसे छोटी छोटी क्लिपें बनाते हैं, उसके बाद हम वॉइस ओवर कर लेंगे और छोटा सा मिनी प्यारा सा व्लॉग बन जाएगा हमारा। यहाँ मैंने टेंट शेंट लगा लिया, उसको अच्छे से अब सेट करूँगी, थोड़ा सा रगड़ूंगी शगड़ूंगी, समझ नहीं आ रहा था, कुछ इरिटेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो खैर फिर भी मैंने सेट कर लिया, क्योंकि आजकल मैं टेंट लगा रही हूँ तो मुझे समझ में आ गया इसको सेट कैसे करना है। तो उसके बाद फिर मैंने होठों पर भी लगाया, और होठों पर अच्छा मुझे इतना अच्छा लगता नहीं है होठों पर, क्योंकि ना वो फिर अजीब सा रह जाता है, कुछ अलग सा हो जाता है होंठ ना। तो फिर मैं उसके ऊपर ग्लोस लगा लेती हूँ या कुछ और कर लेती हूँ, अदरवाइज़ वैसे ज़्यादा मैं टेंट लिप्स पे लगाना समझ में नहीं आता, वो बिल्कुल अजीब हो जाता है, ऐसा लगता है पान खाया हुआ है बंदा। तो खैर ये तो मेरा ओपिनियन था, जो लगाते होंगे उनको आता होगा, शायद मुझे आता नहीं है लगाना। अच्छा जी, यहाँ मैंने कंघी शंगी करी, उसके बाद मैं तैयार हो गई। फिर ये देखें, तैयार होने के बाद ये लुक थी मेरी, ये टेंट शेंट का, ये देखें हाथ पर भी टेंट लग गया, और मुझे देखकर मिराल को भी मिन्नू को भी जोश उठा टेंट लगाने का। तो मिन्नू ने बोला मामा थोड़ा सा, मैंने बोला उफ मनाल तुम तो बस मेरी बराबरी करो। तो खैर अच्छा लगता है, बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो फिर वो ऐसे ही करती हैं। फिर मैं जब किचन में जाई थी तो देखा मेरा बेटा नमाज़ पढ़ रहा है, फिर मैंने बोला चलो जी ये भी क्लिप में लेते हैं। फिर यहाँ मिराल मुझे बहुत तंग कर रही थी, उसको मैं डराने लगी, ये देखो हाथ ब्लड है, ये देखो देखो, डर भी रही थी और समझ गई थी ये टेंट है। तो फिर मैंने उसके हल्का फुल्का सा टेंट उसके गालों पे भी लगाया। यहाँ मैं शो ऑफ करते हुए देख रही थी अपने आप को। फिर मैंने बोला थोड़ा सा यार घर भी समेट लूँ, बहुत ज़्यादा एक तो रुबट्टे निकलते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ो, और मिन्नू ज़्यादा निकालती है रुबट्टे, फिर उनको तय किया। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो जी अब आते हैं किचन में। अच्छा किचन में आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये पूरा पैकेट आया था अरूबा के घर से, अरूबा ने अफ्तारी भेजी थी प्लस बिरयानी शिरयानी भी थी, तो माशाल्लाह बहुत सही थी। उसका फ़ोन आया मुझे, रीमा कुछ बनाना मत, मैं सारी चीज़ें भेज रही हूँ। मैं बोला चलो ठीक है। फिर मैंने सारी चीज़ें वापस उसको पैक करी और फिर डिफ में रख दी। बस फिर हमने ये अरूबा का दिया हुआ सारा अफ्तार में रखा। फिर छोले तो मैंने बना लिए थे, फिर छोलों में सारे लवाजमात वगैरह डालने के बाद फिर हमने वो भी खाए।
शरबत मैंने बना लिया था, तो माशाल्लाह अरूबा ने बहुत सारी चीज़ें भेजी थी। ये देखें, ये सब अरूबा ने भेजा था। और यहाँ मैंने छोले बनाए हुए थे, ये गार्ड के लिए प्याली अच्छा रखी जी, बच्चे आ गए थे जिसकी वजह से वॉइस ओवर को थोड़ा सा रुकना पड़ा था। अच्छा, ये लवाजमात थे जो मुझे छोलों में डालने थे, उसके बाद ये सारी चीज़ें थी। मैं बड़ा खुश हो गई कि मुझे आज काम करना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, और बस शरबत बनाया, छोले बनाए और सारे चीज़ें मैंने वापस वैसे ही रख दी थी। और टाइम फिर मैंने देखा तो 10 मिनट मुश्किल से रह गए थे। फिर मैंने बोला चलो जी सारी चीज़ें अब दस्तरखान बिछाते हैं और रखते हैं। फिर लेकिन अचानक मुझे याद आया मिशी मैडम तो सो रही हैं, उनको उठाया जाए। मनाल ने उठा लिया, इंशाल ने उठा दिया, वो बड़ी मुश्किलों से फिर मैंने उसको उठाया तो वो जाके उठी है बहुत ही मुश्किलों से, और फिर मेरी गोद में आकर बाहर कॉमन में आकर बैठ गई। तो खैर फिर मैंने मनाल को बोला यार मनाल अब दस्तरखान बिछा लो, टाइम बहुत हो गया है। इसको मैं उठाए जा रही हूँ लेकिन ये उठ नहीं रही थी। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने मनाल को बोला भैया अजान होने वाली है, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रखो। और बस यही सब सीन था हमारा आज का। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ वीडियो क्या नहीं बनाऊँ, खैर जो होता गया मैंने बना लिया। अच्छा, मैंने अभी ये रियलाइज़ किया कि वॉइस ओवर करना बड़ा मुश्किल है, और आप वैसे नॉर्मल व्लॉग बनाओ तो वो बेस्ट है, ये वॉइस ओवर करना बड़ा मुश्किल काम है। चले जी, यहाँ गार्ड का भी मैंने अफ्तारी निकाल दी थी और फिर हम लोगों ने भी अपनी अफ्तारी निकाल ली थी और हम बैठ गए थे, और अफ्तार होने ही वाला था। यहाँ मैं मिराल को या मिशी को कुछ कह रही थी, पता नहीं, हाँ मिशी से मैं सारी चीज़ें लेकर रख रही थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ लेकिन खैर आप लोग समझ जाइएगा और वीडियो को सपोर्ट करिएगा और व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बस यही था आज का व्लॉग, और अफ्तार खुल गया हमारा। इसके बाद फिर मैंने चाय वाय बनाई, चाय पी, आराम सुकून से हमने चाय वाय पी कर रिलैक्स किया। फिर आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम व्लॉग में ऐड करें। फिर मैंने बोला चलो जी खैर है, कोई मसला नहीं है, व्लॉग को यहीं पर ही एंड कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह कल बनाएंगे दूसरा व्लॉग, और वो हम नॉर्मल व्लॉग बनाएंगे, कोई वॉइस ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर में कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यहाँ मिराल आ गई थी अल्लाह हाफिज़ करने के लिए, तो मैंने भी बोला चलो जी अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।